हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका एक बार फिर से मॉडर्न विलेज लाइफ में। तो आज विलेज स्टाइल चिकन करी बनाकर तैयार करेंगे, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। हमने गांव में इस तरह से बनाते हुए देखा है, तो एक बार ट्राई किया था, आज फिर से तैयार करते हैं। तो चलिए इसके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले मसाले क्या लेना है। जीरा है 1.5 टेबल स्पून, गोल मिर्च है 1 टेबल स्पून, ये जावित्री है, लौंग है 2 बड़ी इलायची है, 4 छोटी इलायची है, दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा है, मिर्ची है 2 तरह की, ये तीखी वाली है और ये कश्मीरी लाल मिर्च है। इसके अलावे अलग से ऐड करेंगे पिपरी मूल, ये हमने अलग से ऐड किया है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है, खास करके जो जड़ी बूटी वाली दुकान होती है। तो ये सभी मसाले हो गए। अलग से ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून का खसखस यानी पोस्ता दाना, गांव में लोग पीली सरसों का भी यूज़ करते हैं, और ये है अदरक लहसुन हरी मिर्च और प्याज। सभी को मिला करके, सूखे और हरे सभी मसाले को मिला करके पेस्ट बना लेना है। और चिकन 1 केजी है, नमक डाला है, साथ में दही 2 से 2.5 टेबल स्पून, और जिस मसाले को अभी पीसा है 1 टेबल स्पून भर करके डाला है। चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं, मिक्स करके इसे छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट ढक करके। चलिए ढक देते हैं। एक पैन में तेल लिया है, चिकन को फ्राई करेंगे, करीब 15 मिनट हो चुके हैं, पीसेस 1 बाय 1 डाल देते हैं। गांव में लोग जो है चिकन को इस तरह से फ्राई नहीं करते हैं, तेल में सिर्फ जीरे का बघार करके और फ्राई कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से करने से चिकन के अंदर जो है खुशबू और स्वाद दोनों आ जाता है, जिससे करी जो है बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। यहाँ हमने थोड़ा बदलाव किया है। हाई फ्लेम में फ्राई करना है 3 मिनट तक, एक साइड, और दूसरे साइड भी 2.5 से 3 मिनट करेंगे। इधर एक पैन में हमने आधा कप तेल लिया है, यहाँ है जीरा, सहजीरा 1/4 टीस्पून करके, हरी इलायची, दालचीनी, लौंग, सूखी लाल मिर्ची भी हैं 2, और तेज पत्ता तेल में डाल दिया है बघार के लिए, और 10 सेकंड के बाद ही प्याज डालेंगे। प्याज जो है 300 ग्राम है, चिकन 1 केजी है, उसके हिसाब से प्याज 300 ग्राम लिया है। गांव में चिकन या मटन के लिए प्याज का इस्तेमाल कम ही करते हैं। ये एक छोटा अदरक का टुकड़ा है, इसे हमने भी अलग से ऐड किया है, और इस तरह से आप अदरक को प्याज में डाल करके जब भूनेंगे तो बहुत ही अच्छा खुशबू निकल करके आएगा। प्याज को 80% पकाना है, पक चुका है, तो डाल देते हैं इसे मसाले को, करीब 2.5 टेबल स्पून भर करके डालेंगे। तो मसाले में सभी कुछ है सिवाय हल्दी के और नमक के। तो अब इसे भूनना है, शुरू में ही थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं ताकि मसाले जो है अच्छी तरह से भुना जा सके। नमक ऐड कर देते हैं, नमक चिकन में भी डाला है तो यहाँ थोड़ा संभल कर डालना होगा, और इसे अच्छी तरह से भूनना है। चलिए चिकन को चेक कर लेते हैं, 3 मिनट हो चुका है, टर्न कर लेना है। यहाँ आप देखें बिल्कुल भी चिकन का जूस जो है बाहर नहीं निकला है, और दूसरी तरफ भी 2.5 से 3 मिनट पका लेंगे और ये तैयार हो जाएगा। तो चिकन तैयार हो चुका है पूरी तरह से, और चलिए मसाला को देख लेते हैं। हल्दी डालते हैं और इसे भूनते जाना है लगातार। मसाला थोड़ा ड्राई हो जाए तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। काफ़ी हद तक मसाला भून चुका है तो ऐड कर देते हैं। थोड़ा ही डालना है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हमने पहले भी मसाले में डाला है, और ये लगभग पूरी तरह से तैयार है मसाला। पानी ऐड कर देते हैं, 2 ग्लास पानी डालना है ग्रेवी के लिए। मसाले को भूनते हुए करीब 7 से 8 मिनट हो गए थे और अच्छी तरह से मसाला भुना जा चुका है। 2 ग्लास पानी डाल करके अच्छी तरह से हिला लेते हैं और ढक देते हैं उबाल आने के लिए।
उबाल आ चुका है और अब चिकन को इसमें डाल देना है। बिल्कुल तेल सही थी डाल दे, अच्छे से हिला लेना है और फिर ढक करके इसे पकाना है मीडियम फ्लेम में। पकाएंगे और 15 मिनट तक हमने पकाया है इसे। बीच में एक बार खोल करके चला लिया था, पूरी तरह से तैयार है। चलिए आपको चेक करके दिखाते हैं, अंदर तक बिल्कुल पक चुका है। ये जो चिकन की रेसिपी है, चिकन से ज़्यादा ग्रेवी में टेस्ट होता है, तो चिकन अंदर तक पक चुका है। और कुछ हरी मिर्चे और हरा धनिया मिक्स कर देते हैं। चलिए फिर से इसे ढक करके बिल्कुल लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और ये तैयार हो जाएगा। तो 3 मिनट हो चुका था, हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और पूरी तरह से तैयार है। चलिए निकाल करके आपको दिखाते हैं प्लेट में। गांव में इस तरह की जो थाली होती है, छोटी थाली, उसमें सर्व करते हैं, तो निकाल लेते हैं उसी में। बहुत ही मज़ेदार इसकी जो ग्रेवी होती है वो स्पेशल बहुत ही टेस्टी होती है। इसे आप रोटी पराठा या फिर चावल के साथ में भी खा सकते हैं। तो एक बार इस तरह से ट्राई कीजिए और रेसिपी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। एंजॉय कीजिए।